झूठ का घड़ा फूटता है, झूठ का घड़ा फूट गया, लोगों को पता लग गया झूठ बोलना इनका काम है। इस तरह का झूठा प्रधानमंत्री, इस तरह का झूठा जिसको गृह मंत्री कहते हैं, इन भ्रष्टाचारियों की सरकार, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी आज की डेट में बीजेपी में है, क्योंकि दूसरे दलों में थे वो सारे इनके अंदर आ गए। मोदी के नाम पे वोट ले गए, आज तक कोई भी सांसद जो क्षेत्र में नहीं आया, उन्होंने शकल तक नहीं दिखाई। किसान जब अपना हक मांगता है तो उन पे गोलियां चलाई जाती हैं और उनको जो जेलों में ठूस दिया जाता है, ये तानाशाही बीजेपी का शासन है। 5 किलो अनाज देखने की बात करके देश कैसे भी गुरु बन सकता है? भिखारी कभी गुरु नहीं बन सकता। मोदी जी एक घंटा दे दे उनके सामने बैठ दिखा दे, मैं मान जाऊंगा आप प्रधानमंत्री हैं। इस मीडिया को आपने खरीद के आवाज को बंद नहीं कर सकते। लगातार बीजेपी दावा कर रही है कि 4 जून को 400 पार होंगे, हमारी सरकार फिर से बनेगी। आप देखिए जो पिछले 10 साल से सरकार लगातार झूठ पे झूठ बोले जा रही है, जिस प्रकार से किसानों को दबाया जाता है, कहते हैं किसानों के हित में काम कर रहे हैं, मजदूरों को दबाया गया, मजदूरों के हित में काम कर रहे हैं, दलितों को दबाया गया, दलितों के हित में काम कर रहे हैं, झूठ बोलना इनका काम है। सोने के काम 3 गुना बढ़ गया और कहते हैं कि विरोधी जो पार्टी को कहते हैं कि वो मंगलसूत्र छीन लेंगे। इस तरह का झूठा प्रधानमंत्री, इस तरह का झूठा जिसको गृह मंत्री कहते हैं कि देश की अस्मिता, देश का वो एक कॉरपोरेशन भी का मेंबर भी इस तरह नहीं बोल सकता, जिस प्रकार की भाषा ये बोल रहे हैं। और जनता अब चूंकि एक निश्चित समय तक चलता है किसी का झूठ, झूठ का घड़ा फूटता है, झूठ का घड़ा फूट गया, लोगों को पता लग गया, खासतौर से सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है, जिस प्रकार के भ्रष्टाचार, सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचारी आज की डेट में बीजेपी में है, क्योंकि दूसरे दलों में थे वो सारे इनके अंदर आ गए। तो इन भ्रष्टाचारियों की सरकार और अंबानी अडानी को जिस तरह से इन्होंने देश को लुटाया, तो देश की जनता ने ये फैसला कर लिया। मैं कोई राजनीतिक नहीं हूँ, मैं कांग्रेसी नहीं हूँ, परंतु मैं एक आम नागरिक हूँ। उसके माध्यम से आम नागरिकों के अंदर गुस्सा है कि देश की संपत्ति लुटाकर हमें 5 किलो अनाज देखने की बात करके देश कैसे भी गुरु बन सकता है? भिखारी कभी गुरु नहीं बन सकता। राहुल गांधी इसके विपरीत जो 30 लाख रोजगार दे रहे हैं, राहुल गांधी इसके विपरीत महिलाओं के लिए कह रहे हैं कि एक महिला को जो है 1 लाख रुपए देंगे, जिस महिला को 1 लाख रुपए मिलेंगे तो वो महिला घर में खर्च करेगी, जबकि मोदी का आप लोग राशन देने को कहते हैं कि गरीब बना रहे हैं और महिलाओं को 1 लाख रुपया देंगे, वो क्या है? देखो, महिलाओं को 1 लाख रुपया पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन है। मोदी जी ने अपने 50 आदमियों के 16 लाख करोड़ रुपए माफ कर दिए, उस 16 लाख करोड़ को 16 करोड़ महिलाओं को 1-1 लाख रुपया देंगे तो देश की अर्थव्यवस्था सुधर जाएगी, क्योंकि वो महिला उस पर खर्च करेगी, वो बाजार जाएगी, माल खरीदेगी, छोटा बिजनेसमैन जो डूब चुका है वो बिजनेसमैन उभरेगा, इसी तरह से उसके लिए प्रोडक्शन होगा, देश स्वाभाविक तौर से इससे बिस्क्रू बनेगा, कुछ लोगों के पैसे माफ करने से बिस्क्रू नहीं बनेगा। 25 मई भाजपा गई, 25 मई भाजपा गई, भाजपा लगातार कह रही है कि राहुल गांधी है कौन जिनसे उनकी डिबेट कराने की बात कराई जा रही है, ना तो वो अध्यक्ष है, ना वो पीएम के कैंडिडेट हैं, और रायबरेली में जनता उनके लिए जो है राहुल गांधी गो बैक के नारे लगा रही है। नहीं, ये तो राहुल गांधी से बड़ा राष्ट्रीय नेता कौन है? 4000 किलोमीटर की पैदल यात्रा तो छोड़ो, क्या मोदी आज तक 400 किलोमीटर की यात्रा करी है, या अमित शाह ने की है, या बीजेपी की किसी नेता ने की है? तो राहुल गांधी से ज्यादा जन नायक कौन हो सकता है? जन नायक खाली पोस्ट से नहीं होता, जो जनता के दिलों में बसता है वो जन नायक होता है। राहुल गांधी ने जो अपना न्याय दिया है, किसानों का न्याय, मजदूरों का न्याय, युवाओं का न्याय, इस न्याय से सिद्ध कर दिया है, देश की करोड़ों करोड़ आवाज, लोगों की आवाज राहुल गांधी और केवल राहुल गांधी है। मैडम, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ आपके चैनल से। राहुल गांधी जी वो चीज है, उन्होंने ग्राउंड पे हर लोगों से इन 4000 किलोमीटर के अंदर एक एक आदमी से पूछा, एक एक व्यक्ति से पूछा है, किसान से पूछा है, मजदूर से पूछा है। कोरोना के अंदर राहुल गांधी जी ने लोगों की मदद की है, लेकिन ये मोदी मीडिया, मोदी सरकार जो है कोरोना में कुछ नहीं कर पाई, जो नोटबंदी उन्होंने की है, विकास पे ये बात नहीं करना चाहती है मोदी सरकार, विकास पे बात नहीं करना चाहती। दिल्ली के अंदर जो 7 सांसद है जो बीजेपी के थे, वो आज तक अपना बजट, जो सांसद को बजट मिलता है वो दिल्ली के अंदर वो बजट अपना नहीं लगा पाए। हमारे यहाँ से जो सांसद थे हंसराज हंस, उन्होंने इस लोकसभा के अंदर कभी लोगों से नहीं मिले,
आगे भी नहीं देखा, यहाँ ना इस क्षेत्र में कोई काम किया, तो मोदी जी किस व्याप पे वोट मांगते हैं लोगों से। मैं मोदी जी से ये कहना चाह रहा हूँ कि मोदी जी आप डिबेट करना चाहते हैं राहुल जी से, राहुल जी को आप एक दिन दे दे, एक दिन नहीं एक घंटा दे दे, उनके सामने बैठ के दिखा दे, मैं मान जाऊंगा आप प्रधानमंत्री हैं। राहुल गांधी वो शख्सियत है, वो आपके एक एक नंबर का जवाब देंगे। राहुल गांधी ने ग्राउंड पे काम करके दिखाया, इस मीडिया को आपने खरीद के आप राहुल गांधी की आवाज को बंद नहीं कर सकते। मैडम जैसे कि आप बता रहे हो कि राहुल गांधी कौन है जो डिबेट करने के हैं, राहुल गांधी जो कांग्रेस की पार्टी के अध्यक्ष थे तब भी प्रधानमंत्री को चैलेंज करते थे राहुल गांधी कि आओ मेरे साथ डिबेट करके देखिए, लेकिन प्रधानमंत्री उस लायक नहीं है कि राहुल गांधी जी के साथ में डिबेट कर सकते, क्योंकि उसने प्रधानमंत्री ने देश की जनता को कुछ नहीं दिया है, सिर्फ धोखा दिया है, जुमला दिया है, धोखा दिया है बस। राहुल गांधी जी बहुत ही नाइस और बहुत ही देश के प्रधानमंत्री बनने लायक इंसान है। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। देखिए ऐसा है मैडम, 2014 में जब बीजेपी की गवर्नमेंट बनी थी तो इन्होंने दो वादे किए थे कि हम 15 लाख रुपए जो है गरीबों के खाते में डलवाएंगे। आज 10 साल से ये लोग शासन कर रहे हैं, इन्होंने आज तक डलवाया क्या? पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि हम किसानों को जो है उनको RMA MC देंगे, उनकी रेट की कीमत देंगे, आज तक इन्होंने कोई भी जो उनकी रेट नहीं दी। और किसान जब अपना हक मांगता है तो उन पर गोलियां चलाई जाती हैं और उनको जो जेलों में ठूस दिया जाता है। ये तानाशाही बीजेपी का शासन है और ये तानाशाही अब नहीं चलेगी, जनता समझ चुकी है। और जनता जो है अब कांग्रेस को लाएगी, गठबंधन को लाएगी और हमारा प्रधानमंत्री राहुल गांधी होगा। धन्यवाद, इतना ही कहना चाहूँगा। मंत्री कह रहे हैं राहुल बाबा के जितने समर्थक हैं वो पाकिस्तान में है, भारत में उनके समर्थक नहीं है। ये सब आप सब जानते हैं कि ये 10 साल से इन्होंने जो शासन किया है ना वो झूठ बोलने से ही किया है। उनके दादा बाबाओं ने कुर्बानियां दी हैं, इंदिरा जी जो है शहीद हुई, राजीव जी शहीद हुए। और आपको पता होना चाहिए कि 10 साल जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी रहे तो वो सोनिया गांधी जी भी बन सकती थी, लेकिन उन्होंने त्याग किया और मनमोहन सिंह जी को जो है प्राइम मिनिस्टर बनाया। तो ऐसे त्यागी ऐसे बलिदानी इस देश में और कोई है नहीं। आज तक बीजेपी का आदमी कोई मरा है क्या? हमें बताइए अगर किसी ने अगर शहीद हुआ हो तो। इसलिए जो है कांग्रेस गरीबों की हितैषी है, गरीबों के हित में है। कांग्रेस गरीबों की बात करती है, महिलाओं की बात करती है, बेरोजगारों की बात करती है, युवाओं की बात करती है और किसान की बात करती है। और ये इनके जितने भी सांसद जीते हैं ना, क्योंकि मैं फील्ड में रहता हूं इसलिए मुझे पता है, हम जहां भी गए वहां यही लोग कहते हैं कि मोदी के नाम पे वोट ले गए। आज तक कोई भी सांसद जो है क्षेत्र में नहीं आया, उन्होंने शकल तक नहीं दिखाई। अब ये नहीं चलने वाला है। क्या कहते हैं जी मैम? देखिए 2014 में जब मोदी जी वादा करके आए कि आपके अच्छे दिन लाएंगे, तो मैं भी उन वोटर्स में से एक था जिन्होंने उनको वोट दिया। 19 में उन्होंने फिर हमसे गुहार लगाई, हमने सोचा चलो 5 साल कम है, फिर उनको वोट दिया। पर आज स्थिति ये है कि हम लोग इतनी डिग्रियाँ करने के बावजूद बेरोजगार हैं, महंगाई इतनी ज़्यादा है कि जो पहले 500 रुपये में चीज़ आती थी वो 1000 रुपये में आ रही है। उस कंपैरिजन में देखा जाए तो आमदन बड़ी नहीं है, तो हम लोग किसी सरकार से क्या अपेक्षा करते हैं कि भाई वो हमारे अच्छे दिन लाए, हमें सहूलियत दे। घर में आके कोई भी सरकार हमारा खाना नहीं बनाती, हमको पका के नहीं देती, पर कम से कम जो सिक्योरिटी होनी चाहिए आम जन को वो देनी चाहिए। वो सिक्योरिटी इन्होंने बड़े बड़े पूंजीपतियों को दी है, उनका पैसा जो है कई सौ गुना बढ़ता जा रहा है और गरीब का पैसा जो है कई सौ गुना नीचे जा रहा है, तो गरीब कहाँ जाएगा? 70 से 80% आबादी जो है किसान की है। मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा, पंजाब में हमारे क्या हुआ, पिछली बार किसान ने टमाटर उगाए, जब वो मंडी में बेचने जाता है तो उसकी लागत जो 12-13 रुपये थी वहाँ नहीं मिली उसको और 5 रुपये किलो पर मजबूर हुआ। मंडी के अंदर में जो इनके अडानी के या पूंजीपतियों के जो बैठे हुए जो आड़ती थे, उन्होंने क्या किया, वो टमाटर लेके जो है वेयर हाउसेज में छुपा लिया, क्योंकि उनके पास बैकेंड इंफ्रास्ट्रक्चर था, स्टोरेज कैपेसिटी थी। वही टमाटर जो है आर्टिफिशियली स्केयरसिटी क्रिएट होती है और वही टमाटर आम जन को 200 रुपये किलो में खरीदना पड़ता है। आप बताइए 5 रुपये में किसान बेचता है, 200 रुपये में आम जन खरीदता है, जो बीज का पैसा है वो कहाँ जाता है? यहाँ से एक निष्कर्ष ये भी निकलता है कि वो बीज का पैसा जो है कुछ बड़े बड़े पूंजीपति रख लेते हैं, जिससे उनकी इनकम जो है पूरे विश्व में बढ़ती जा रही है, और कुछ पैसा वो जो है उनको देते होंगे जो उनका संरक्षण कर रहे हैं। कौन संरक्षण कर रहा है वो सरकार जवाब देगी। कहीं ना कहीं देश में किसान का
जवान का, आम इंसान का जो हित मारा जा रहा है। और मैं एक बात आपके चैनल से कहना चाहूँगा कि इस देश पे पहला जो अधिकार होगा वो किसान का होगा, आम इंसान का होगा, मजदूर का होगा, जवान का होगा, पछड़ा का होगा, उसके बाद में जो लूटने वाले हैं वो अपनी बात रखेंगे। तो यहाँ पर जनता ने बहुत बढ़िया से समझा दिया है किस तरीके से किसानों की समस्या जो है इसको इन्होंने बहुत अच्छे से समझाया। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी गिरी, धन्यवाद।